स्टोरी नंबर 4। तो 4 नंबर में मैं कौन सी स्टोरी सुनाऊं? नाम बता। राजा और 12 बेटियां या फिर रेड पोजी? राजा की और 12 बेटियां। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक राजा होता है जिसकी 12 बेटियां होती है। सारी 12 बेटियां जब सोकर उठती हैं तो वो राजा देखता है कि उनके सारे शूज टूटे हैं, फटे हैं और गंदे हो चुके हैं। राजा सोचता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, पर राजा पता ही नहीं लगा पाता है। कितनी बार वो देखता है पर वो कभी पता नहीं लगा पाता है। रोज उसको अपनी सारी बेटियों के लिए नए नए शूज मंगवाने पड़ते हैं, इससे वो परेशान हो जाता है। तो फिर वो ऐसा आम प्रतियोगिता रखता है कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी राजकुमार हैं, जितने भी बड़े हैं, जितने भी बूढ़े हैं, जितने भी गरीब है ना, और जो भी है इस राज्य में सब आ सकते हैं, और दूसरे राज्यों के भी प्रिंस और ये सब राजा सब आ सकते हैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करने। पर अगर 3 दिन में ये मिस्ट्री नहीं सॉल्व हुई तो जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर बहुत राजा आते, बहुत प्रिंस आते, इवन गरीब आते, बच्चे आते, पर कोई भी नहीं कर पाता ये मिस्ट्री सॉल्व। राजकुमारियाँ बहुत चालाक होती है। चलो इस बार देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो एक दिन एक ऐसे ही थोड़ा गरीब था, थोड़ा ऐसे ही था है ना, मतलब उसके पास थे पैसे, गरीब नहीं था वो ज़्यादा ना। तो वो जा रहा था, देखता है कि ओ नो, सारे चोर रात को तो मेरा सारा खाना ले गए थे, अब मैं क्या ले जाऊँगा वहाँ पे राजा के पास। वो ढूंढता है तो उसको एक ब्रेड मिलता है और एक एप्पल भी मिलता है। वो सोचता है कि और भी कुछ तो होगा यहाँ पर। वो ढूंढता है पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है, उसका सारा खाना तो चोरी हो गया होता है। देखो मैंने इसके बारे में कितने अच्छे काम करे। वो जाता है मेरे भाई ने, फिर वो अपना ब्रेड और एप्पल लेके जा रहा होता है। तो उसको एक बूढ़ी माँ दिखती है। वो बूढ़ी माँ पूछती है उससे, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? तो वो बोलता है हाँ ज़रूर ज़रूर। तो फिर वो बोलती है कि अभी तक मुझे किसी ने कुछ खाने के लिए दिया नहीं, तुम क्यों हाँ बोल रहे हो मुझे? तो बोलता है अरे मेरे पास तो बहुत खाना है, तुम ये खा लो है ना, बस तुम ये खा लो, कुछ मत करो। तो फिर वो उसको पहले एक तो ब्रेड का टुकड़ा देता है, फिर वो पूरा ब्रेड दे देता है उसको है ना। तो वो बहुत खुश होती है, वो सोचता है कि ये एप्पल भी आप ले लो, आपको कभी भी भूख लगेगी तो खा लेना इसको। तो फिर वो बोलता है पर बेटा तुम क्यों खाओगे? फिर वो बोलता है नहीं मेरे पास तो बहुत खाना है। तो फिर वो बोलता है नहीं मुझे पता है तुम्हारे पास कोई खाना नहीं, फिर भी तुमने मुझे सारा दे दिया ना, रुक जाओ मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वो अपने बैग में से एक स्कार्फ निकालती है और वो बोलती है कि ये स्कार्फ पहन लेना, मुझे पता है तुम राजा की वो मिस्ट्री ही सॉल्व करने जा रहे हो, अगर तुमको कभी भी गायब होना हो तो ये स्कार्फ पहन लेना, और अगर राजकुमारियाँ तुम्हें कुछ भी खा पीने के लिए देती है तो फिर उससे बिल्कुल मत पीना है ना। और वो ऐसी सूचना देकर और वो स्कार्फ देकर निकल जाती है, बहुत खुश होती है वो। और उसके बाद वो लड़का भी अपने जर्नी पे निकल जाता है। वो जाता है, महल पहुंचता है और उसके बाद वो पहरा देने लगता है गेट के आसपास। फिर वो राजकुमारी सबसे छोटी वाली उसके लिए शरबत लाती है ना। वो बिना कुछ सोचे और उस बूढ़ी अम्मा की बात याद करके उसको पी जाता है ना। वो राजकुमारी बहुत उसको अच्छी लगती है ना, तो वो सब पी जाता है और सो जाता है पता नहीं कैसे है ना। और राजकुमारी बहुत चालाक होती है।
शहद पी के सो जाता है ना, क्योंकि शहद में नींद तो की दवा है ना, उसमें नींद की दवा डालती है। हाँ वो उसमें नींद की दवाई डाल देते हैं और उसके बाद उस वो उनको पता होता है कि हाँ अब तो ये सो ही जाएगा क्योंकि हमने तो दवा मिक्स करी है ना। तो वो उसके लिए ही मस्त एक उनके कमरे के बाजू में एक अच्छा सा कमरा रेडी रखते हैं सोने के लिए। वो जाता है और सीधा वहाँ जाके सो जाता है। इससे एक दिन तो बीत जाता है और राजकुमारियाँ मन ही मन खुश होती रहती है ना। पर वो लड़का अभी भी हार नहीं मानता है ना। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है, वो बूढ़ी अम्मा की बात को तो याद ही नहीं करता। दूसरे दिन सुबह सुबह राजा आता है और बोलता है, दो दिन तो गए पर अब देखते हैं कि आज तुम ये कर पाते हो कि नहीं, नहीं तो सुबह तो जेल में जाओगे, है ना। और ऐसे बोल के वो चले जाता है। फिर वो चले जाते हैं तो वो बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि मुझे जेल में नहीं जाना, प्लीज़ राजा, मैं इसको करके दिखाऊंगा, मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करूंगा, है ना। फिर वो अपने मन पे प्रेशर डालता है और उसको बूढ़ी अम्मा की बात याद आ जाती है। फिर वो उस रात कुछ नहीं पीता है। वो देती तो है राजकुमारी शरबत, पर वो क्या करता है, उसे प्लांट्स में फेंक देता है और उस ग्लास को वहाँ पे ही रखता है जहाँ पे वो हमेशा रखा करता था। और फिर वो अपना स्कार्फ पहन लेता है गायब होने वाला, है ना। और धीरे से दरवाज़ा ऐसे खुलता है राजकुमारियों का, तो उसको दिखता है कि अरे बाप रे, इन्होंने तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। राजकुमारियाँ अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन लेती है ना। और फिर अपने वो न्यू शूज़ पहनती है और सबसे बड़ी राजकुमारी 3 बार ताली बजाती है और उससे एक सीक्रेट दरवाज़ा खुलता है। तो वो बोलती है छोटी वाली राजकुमारी को, जाओ देखो वो सोया कि नहीं, है ना। तो फिर वो ऐसे दरवाजे में से आवाज़ सुनती है तो फिर वो सोचता है ये ज़रूर मेरी खराटे लेने की आवाज़ सुन रहे होंगे। और फिर वो ऐसे आवाज़ निकालता है ऐसे, है ना। और फिर वो वापस से उस रूम में चले जाता है और फिर वो सोचता है कि क्या कर रही है और ये दरवाज़ा कैसे खुला होगा, है ना। वो ऐसे सोचते ही रहता है कि सारी राजकुमारियाँ उस दरवाजे में चले जाती है। उसमें 100 सीढ़ियाँ होती है ना। उस 100 सीढ़ियों को सब पार करते हैं। सबसे लास्ट में सबसे छोटी राजकुमारी होती है। गलती से ना उसका पैर चले जाता है छोटी राजकुमारी के स्कर्ट पर, है ना। तो वो बोलती है मुझे लगता है यहाँ पर कोई है ना। तो वो बोलती है और उसने मेरे स्कर्ट पर भी पैर रखा। तो फिर वो सबसे बड़ी वाली राजकुमारी बोलती है हाँ अब बस भी करो उल्लू बनाना मुझे, तो बोलती है ऐसा बोलकर वो आगे निकलती है। फिर वो आगे बढ़ते हैं, पूरी सीढ़ियाँ क्रॉस करते हैं। वो लड़का उसके स्कर्ट पे पैर रख देता है क्या? हाँ, जिसने वो जादू स्कार्फ पहना होता है ना, वो लड़का, है ना। और उसके बाद वो जब नीचे उतरते हैं सारी 100 सीढ़ियों से, तो उसको दिखता है बड़े पेड़ जो जिस पर सोने के फल लगे होते हैं। नहीं, वापस तो लड़का वापस सकता है ना छुट्टी ऊपर छुट्टी राजकुमार के पैर पे? नहीं, पहले तो वो पेड़ की ब्रांचेस ना और उसकी ट्रंक चांदी की होती है और उसके ऊपर लगे हुए फ्रूट सोने के, है ना। फिर वो जब सोचता है कि अगर राजा मुझसे पूछेंगे कि ये तुम्हें राजा मुझसे पूछेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैं प्रूफ के लिए ये डाली तोड़ लेता हूँ और एक फ्रूट, ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ ऐसा सच में था, है ना। तो फिर वो डाली तोड़ता है धीरे से बिना आवाज़ के, कोशिश करता है पर आवाज़ तो हो ही जाती है। छोटी राजकुमारी को फिर से वो आवाज़ आती है ना। और वो बड़ी राजकुमारी को वापस से बोलती है बड़ी राजकुमारी को, तो बड़ी राजकुमारी बोलती है हाँ बस भी करो, क्या लगा रखा
रखा है ना, तो फिर वो तोड़ता है और अपने बैग में रख लेता है। फिर वो देखता है बड़ा सा पॉन्ड होता है, पॉन्ड में 12 राजकुमार होते हैं। वो 12 राजकुमार आते हैं, पॉन्ड पॉन्ड को क्रॉस करते हैं और सारी राजकुमारियों को ले जाते हैं, है ना। वो लड़का सबसे छोटी राजकुमारी के बोट में बैठ जाता है ना। फिर वो छोटी राजकुमारी वापस से बोलती है बड़ी राजकुमारी को कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये बोट बहुत भारी है, ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई बैठा है। तो बोलती है क्या है ये, तब से बस तुमको तो ऐसा ही लगता रहता है कि कोई यहाँ पर है। तो फिर उसके बाद वो जाते हैं तो बड़ा सा महल आता है एक बड़ा सा महल आता है। बड़े से महल में बहुत सारे बहुत 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 सारे पकवान होते हैं, मीठे मीठे केक होते हैं और जेली और कैंडीज और बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो फिर वो उसको केक इतना टेस्टी लगता है और उसको सुगंध आती है, उसकी स्मेल आती है, तो वो एक पीस ले ही लेता है, है ना मीना। और क्या सोते रहती हो, है ना। और फिर वो उसको खा जाता है। वो सोचता है कि किसी ने देखा तो नहीं होगा ना, तो फिर वो जाता है और उसको दिखती है और वहाँ की 5 सोने के आम। वो सोने के आम और जीतने वाले 5 जोड़ियों को मिलते हैं, है ना। वो उसमें से एक आम ले लेता है ताकि राजा को बता सके कि हाँ ऐसा आम भी था वहाँ पर। तो फिर जैसे ही वो आम लेता है तो वो सोचता है अगर किसी को पता चल गया तो, है ना। तो फिर वो बोलता है कुछ नहीं होगा इससे, तो 4 आम थे, एक ही लिया कि सबको लगेगा कि आम एक लाना भूल गए होगे, है ना। तो फिर मैं ये ले लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, है ना। फिर वो देखता है वो पूरी रात भर डांस करते हैं और उससे उनके शूज़ भी पूरे फट जाते हैं, टूट जाते हैं और गंदे हो जाते हैं। इस फिर वो वापस से उसी रास्ते पे चले जाते हैं। वो आते हैं और राजकुमार और फिर वो लड़का भाग के राजा के पास जाता है और स्टोरी सुनाता है। राजा को वो प्रूफ के लिए जो चीज़ें ले गया होता है वो भी बताता है। राजा उसको बिलीव करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसकी इच्छा तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, है ना। तो फिर वो बोलता है मुझे तुम्हारी सबसे छोटी बेटी से शादी करना है। तो फिर वो शादी कर लेता है और फिर वो राजा बन जाता है, मतलब राजकुमार राजा बन जाता है राजकुमार से। तो ये कहानी एंड होती है। बाय, और अगली कहानी जरूर सुनना। बाय। मैं रोज अपने छोटे भाई बहनों को स्टोरी सुनाती रहती हूँ। बड़े मुझे सुनाते हैं और मैं मेरे भाई बहनों को सुनाती हूँ। अगर आपको भी स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो हमारी सारी 10 स्टोरीज जरूर